नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेट इन्फोवीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ पुरी कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि आंध्रा होकर चलती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, यह ट्रेन पूरी टर्मिनस से कामाख्या जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 15639। यह ट्रेन 31 घंटे 10 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो ये ट्रेन कवर करती है वो है 1520 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 26 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलती है, मंगलवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें एसी सेकंड टायर, एसी थर्ड टायर, स्लीपर क्लास, अनरिजर्व्ड, जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। एसी सेकंड टायर का किराया है 2350 रुपये, एसी थर्ड टायर का किराया है 1605 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 595 रुपये, अनरिजर्व्ड जनरल डिब्बे का किराया है 334 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर कंफर्म कर लें। अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल और स्टेशनों के बारे में। यह ट्रेन पूरी टर्मिनस से हर मंगलवार को दोपहर के 2:25 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसका अगला स्टेशन आता है साक्षी गोपाल, जहां पर ये दोपहर के 2:43 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है खुर्दा रोड जंक्शन, जहां पर ये दोपहर के 3:15 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है भुवनेश्वर, जहां पर ये दोपहर के 3:48 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है कटक जंक्शन, जहां पर ये शाम के 4:28 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है भद्रक, जहां पर ये शाम के 6:28 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बालासोर, जहां पर ये शाम के 7:15 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है हिजली, जहां पर ये रात के 8:28 पर पहुंचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों मैदनीपुर, जहां पर ये रात के 9:45 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बांकुड़ा जंक्शन, जहां पर ये रात के 11:10 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है आद्रा जंक्शन, जहां पर ये रात के 12:10 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है आसनसोल जंक्शन, जहां पर ये रात के 1:52 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दुर्गापुर, जहां पर ये रात के 2:48 पर पहुंचती है और यहां पर इसका 35 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों सीउड़ी, जहां पर ये सुबह के 4:29 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है रामपुर हाट जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 5:47 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है पाकुर, जहां पर ये सुबह के 6:31 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है न्यू फरक्का जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 7:34 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों मालदा टाउन, जहां पर ये सुबह के 8:30 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है किशनगंज, जहां पर ये सुबह के 10:35 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जहां पर ये दोपहर के 12:40 पर पहुंचती है
और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है न्यू कूच बिहार, जहां पर ये दोपहर के 3:05 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन अलीपुर द्वार पर पहुंचती है दोपहर के 3:31 पर और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों न्यू बोंगाईगांव जंक्शन, जहां पर ये शाम के 6:15 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बरपेटा रोड, जहां पर ये शाम के 7 पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है रेंगिया जंक्शन, जहां पर ये रात के 8:10 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने आखिरी स्टेशन कामाख्य जंक्शन पर पहुंचती है रात के 9:35 पर और यहां पर पहुंच के ये ट्रेन अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।